कहानियां नाओ प्रतिज्ञा किया था देश। आखिरकार एबे सौ समा आए गुआ थिया कि इसराइली लोग प्रतिज्ञा किए दे देश कनाना दे प्रवेश कर। तेस दिशा दे यरियो नावा एक नगर थिया। तेते रखवाली करने कठे तेते चौ बख पक्की दवाला थी। यीशुए तेस नगरालय दुए जासूस भेजे। तेस नगरा दे राहाब नावे एक वैश्या रो थिए। तेसे इयो दुए जासूस लुकोए थिए। होर ते खबादा का तेसे नगरे लोगा का बचाए केरे निकलने ले तिने मदद किए। तेसे एड़ा तय किया थिया किले की सौ परमेश्वर आगे से भरोसा डाओ थिए। जस समय इसराइली लोगा यरीहो नगर नाश करना थिया तिया तिने जासूसे राहाब होर तेसे परिवार आले बचाणिया वादा किया थिया। इसराइली लोगा तिग्या किए दे देशा दे प्रवेश करने कठे यरदन दरेओ टपना थिया। परमेश्वर यीशु का बोला प्रोता पहले जाने दे। जिया प्रोते यरदन दरेवा दे अपने पैर डाए तिया दरेवा पानी बहना बंद हो गया। जितकी रे की इसराइली लोग दरेवा का दूजी बाखा ले सुकी जमीन गे शाले जाए सको। इसराइली लोग यरदन दरेओ पार करे लोआ तिया परमेश्वर यीशु ले बोला कि यरीहो दे हमला करने कठे तैयार रहो। हालांकि सोहन मजबूत नगर थिया परमेश्वर तिना लोगा का बोला कि तिने प्रोत होर सैनिक छ ध्याड़े तिक तिस नगर चौ बाखा एक ही बारी फेरी लाओ। ते प्रोते होर सैनिक तेड़ा ही किया। तिया सत्वे ध्याड़े इसराइली लोगे तिस नगर चौ बख सत बारी फेरे लाए। तिने नगर चौ बख सत्वे फेरे देने का बाद प्रोते अपनी करनाला फुकरी होर सैनिक उस टे आवाज काढ़े। एती कठे तिने एड़ा ही किया। तिया यरीहो चौ बख दवाला डूले गई जेड़े परमेश्वर आज्ञा दे थिए। इसराइली लोगे नगरे हरेक चीजा नाश करे दिया। तिने सिर्फ राहाब होर तेसा परिवार छाड़ा जून इसराइली लोगा हिस्सा बने गुआ थिया। जिया कनाना दे रौने आले होरी लोगे सुना कि इसराइली लोगे यरीहो नाश करे दिया दा तैसियो डरे गुए कि इसराइली लोगा तिना गैश भी हमला करना। तिया परमेश्वर इसराइली लोगा ले आज्ञा दे कि कनाना दे रौने आले कसी भी जातीय लोगा सागे शांति केरे समझौता नहीं करी। पर गिबोनी नावे एकी कनानी जातीय लोगे यीशु का झूठ बोला किसियो कनान देशा का दूर एकी जगह रौने आले आसी। तिने यीशु सागे शांतिय समझौते बिनते किए। यीशु होर होरी इसराइली अगुए परमेश्वर का नहीं पूछी कि तिना की जय करना चाहिए। एती बजाय तिने गिबोनी सागे शांतिया समझौता किया। देखा चंद दिनों का बाद इसराइली लोगा का पता लगा कि गिबोनी लोग कनान देशा दे ही रहती है। सियो गुस्सा हुआ किले की गिबोनी लोग तिनाले धोखा दिया थिया। पर तिने तिना सागे किया दा शांतिया समझौता बनाए डा किले की सौ परमेश्वर सामने किया दा था। तिया कुछ समय बाद कनान देशा दे रौने आले एक होर जाते एमोरिये राजा सुना कि गिबोनिये इसराइली लोगा सागे समझौता करे हीरा दा। ते तिने अपनी अपनी सेना कठे करे केरे एक बड़े सेना बनाए होर गिबोनी लोगा गैश हमला करे दिया। गिबोनी लोगे तिनी मदद करने कठे यीशु ले एक संदेशा भेजा। ते यीशुए
इसराइली लोगे से ना कठे किए और गिबोनी लोग बुझने कठे सियो सारी राते हट दे रो है। दोथी भैगाती ने एमोरिये से ना हैरान करे दे और तिनागेश हमला किया। तेस धड़े परमेश्वर इसराइली लोग कठे लड़ा तिनी एमोरी लोग डरे और तिनी बड़े बड़े शरुए दाने के रे हैं सारे एमोरी लोग मारे डाए। परमेश्वर सूरज भी सरगा दे एक की जगह दे रोके डा ताकि इसराइली लोग ले युद्ध करने ले पूरा समा मिले जाओ ताकि सियो एमोरी लोगा पूरे तरीके के रे हराए दे हो। तेस धड़े परमेश्वर इसराइली लोग कठे एक बड़े जीत हासिल किए। परमेश्वर तिना सैन्य लोगा हराने का बाद हैं सारे कनानी जातीय लोग इसराइली गैश हमला करने ले कठे हुए। योशु होर इसराइलिये हमला करे के रे तिना खात्मा किया। इन युद्ध का बाद परमेश्वर इसराइले हरेक गोत्राले प्रतिज्ञा किए दे देशा दे तिना भाग दिया। तिया परमेश्वर इसराइला ले तीसरी सारी सीमा दे शांति प्रदान किए। जिया योशु ठगड़ा हुआ तिया तिनी इसराइले सब लोग छदे तिया योशुए तिना लोगाले याद दिला कि तिने तिस बच्चा पालन करने प्रतिज्ञा किए थिए जुन परमेश्वर तिना सागे सिनी धारा गेश बंद थिए। तिने लोगे परमेश्वर प्रति विश्वास योग्य रहने और तीसरी विद्या पालन करने बाधा किया थिया।